नूरपुर के बॉर्ड जांच में कल देर रात रॉयल कार एसेसरी की दुकान पर अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से लगी कि उस पर दुकान का मालिक उसको बुझाने में असफल रहा, तो किसी ने फायर ब्रिगेड विभाग को फोन किया तो चंद मिनटों में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। नूरपुर के बोर्ड जांच में कल देर रात रॉयल कार एसेसरी की दुकान पर अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज लगी कि उस पर दुकान का मालिक उसको बुझाने में असफल रहा तो किसी ने फायर ब्रिगेड विभाग को फोन किया तो चंद मिनटों में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। अगर समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती तो आग की वजह से ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। फायरमैन गुरुदयाल चंद ने बताया कि हमें जैसे ही फोन आया हम तुरंत दुकान पर पहुंचे और जल्द आग बुझाने में कामयाब भी हो गए। दुकानदार बिन्नी ने बताया कि हम दुकान के बाहर बैठे हुए थे तो हमें सामने से मैनेजर ने बताया कि आपकी दुकान पर आग लग गई है। जब हमने देखा तो सच में आग लगी हुई थी, तो हमने पहले अपने वाटर कूलर के पानी को फेंक कर आग बुझाने की कोशिश की पर आग बुझी नहीं। बिन्नी और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुन। हम बाहर बैठे हुए थे भैया, तो साथ में मैनेजर साहब सामने खड़े थे, वो दूर से देखे कि आग लग रही है, तो फिर उन्होंने आवाज लगाई कि यार बाग बिन्नी तेरे दुकान पे आग लग रही है। तो हम भागते भागते आए तो आग लगी हुई थी, साथ में हमें कुछ दिखा नहीं, हमने अपना वाटर कूलर लेके फेंका पर नहीं बुझी, फिर हमने नाले पे फेंका तब भी नहीं बुझी, और फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया किसी ने, दो मिनट में फायर ब्रिगेड हमारे इधर पहुंच गई जांच पे बोडा पे। सर कितना नुकसान हुआ सर आपका? ये नुकसान हमारा करीब 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है सर, बाकी सुबह ही पता लगेगा क्या क्या और नुकसान हुआ। तो अभी तक क्या आपको पता लगने का कारण क्या रहा है? पता नहीं है सर, सर्कट शॉर्ट हुआ क्या हुआ अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसका। कहाँ पे सर ये आपकी दुकान? ये हमारी जांच पे बोडा जांच हंडाई जंसी के सामने ऑपोजिट रॉयल कार्स है।